भागलपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिले के एक व्यक्ति ने वरीय उपसमाहर्ता का बोर्ड अपने कार में लगाकर कई लोगों से ठगी कर ली। जब मामला भागलपुर पुलिस की संज्ञान में आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा है। दरअसल जोगसर थाना अंतर्गत राज पांडे नाम के एक शख्स ने अपने लग्जरी कार में बिहार सरकार की वरीय उपसमाहर्ता का बोर्ड लगा कई लोगों से ठगी की है। वहीं जोगसर पुलिस ने राज पांडे और उनकी पत्नी पुष्पा पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने दोनों को जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरमनचक मोहल्ला स्थित उसके आवास के पास से गिरफ्तार किया। जब दोनों अपनी सफेद रंग की लग्जरी कार से कहीं बाहर जा रहे थे उसी दौरान पुलिस टीम दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। बता दे उसी सफेद कार के आगे बिहार सरकार वरीय उपसमाहर्ता का लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उक्त मामले में पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। उसके विरुद्ध 28 जून 2024 को दर्ज धोखाधड़ी के केस में जोगसर थाना अध्यक्ष नंदन कुमार पुलिस बल के साथ खरमनचक मोहल्ला स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे। वहीं दोनों राज पांडे और उसकी पत्नी पुष्पा पांडे सफेद रंग की BR01PG9119 नंबर की लग्जरी कार से कहीं बाहर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने दोनों को धर दबोचा और थाने पर ले आई। थाना अध्यक्ष ने उससे वरीय उपसमाहर्ता होने से संबंध में पूछताछ की जिस पर किसी प्रकार का वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया और कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वाहन पर सवार राज पांडे के दोनों पैर में प्लास्टर पाया गया। पूछने पर हड्डी टूटने और उसका इलाज कराने की बात कही गई। जबकि अस्वस्थ होने की स्थिति में राज पांडे और उसकी पत्नी पुष्पा पांडे को PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। बता दें कि जोगसर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर कृष्णनंदन कुमार सिंह ने अपने बयान पर मामले में केस दर्ज किया है। इसमें राज पांडे के विरुद्ध पूर्व में जोगसर नाथनगर और पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में दर्ज कांडों का भी उल्लेख किया गया है। जी, एक मामला हम लोग के प्रकाश में आया है और इसमें जोगसर थाने अंतर्गत उन पे एक FIR भी किया गया है। जब हम लोगों ने इस मैटर को और संभाला तो पता चला कि इनके पूर्व में इनका नाम जो है अभी उसका नाम राज पांडे है, लेकिन जोगसर थाना क्षेत्र के रहने वाला है। इस पर जोगसर में भी पूर्व में धोखाधड़ी का आरोप है, FIR दर्ज है, नाथनगर में भी FIR दर्ज है और कुछ लोगों के द्वारा बताया भी गया है कि सिलीगुड़ी में भी ये जेल जा चुके हैं और ये कई बार फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में कार्रवाई की गई है और FIR दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। चूँकि अभी इनका स्वास्थ्य चूँकि पैर टूटा हुआ है तो हम लोगों ने भी PR बॉन्ड रखा है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सावन महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचते हैं। यहां से 105 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर देवघर जाते हैं। ऐसे में उन्हें रास्ते में आराम करने की जरूरत पड़ती है। शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की व्यवस्था से श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। रेन शेल्टर में श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी से लेकर रहने खाने का उत्तम व्यवस्था किया गया है। रेन शेल्टर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बेहतर व्यवस्था के लिए श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। उठाए थे आज सुबह जल उठाए हैं और कहाँ रुके हुए हैं? ये हम लोग असरगंज रुके हुए हैं, धानीवाला। व्यवस्था के बारे में क्या कहिए? बहुत मस्त है, बहुत अच्छे है, हर चीज का सुविधा यहाँ हम लोगों का। पहले बहुत दिक्कत होता था लेकिन अभी बहुत ही अच्छा है। साफ सफाई भी बहुत सुंदर है। थकान मिट जाती है? थकान मिट जाती है। कोई शिकवा शिकायत? नहीं सर, कोई ऐसा शिकवा शिकायत नहीं है। जिला प्रशासन, भागलपुर जिला प्रशासन को क्या कहिएगा? धन्यवाद कहेंगे। किनको किनको? जो भी यहाँ का मंत्री है, डीएम साहब है, चाहे यहाँ का प्रशासन है, जो भी है यहाँ का, सबको धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ का सारी व्यवस्था बहुत अच्छी। डीएम डॉक्टर नवेश्वर चौधरी ने जिला व प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, अजगैवी नाथ गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए बाहर से आने वाले कावारियों से श्रावणी मेला में व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिए। इस दौरान बाहर से आने वाले कावारियों ने अगले वर्ष से इस बार बेहतर व्यवस्था होने की बात कही। वहीं डीएम ने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बेहतर व्यवस्था कावारियों को दिलाने की बात कही। कि पिछली बार से कई चीजों में सुधार किया, खास करके जितने भी घाट है वहाँ पे बहुत सारी चौकी हुआ करती थी। चौकी का कारण से हमारे कावड़ियों को असुविधा होती थी, अब हम लोगों ने उसकी संख्या को लिमिट किया है। दूसरा, उसके ठीक बगल में दो जर्मन हैंगर लगे हुए हैं, एक नगर विकास विभाग के तरफ से और दूसरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने काफी अच्छा बनाया है।
तो इन हैंगर्स होने के कारण से आप कांवड़ियों का फीडबैक हम अभी ले रहे थे कि आप लोग और क्या अच्छा सुधार करें, तो आप लोगों ने कांवड़ियों का फीडबैक सुना होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी कई कांवड़ियाँ बंधुआए हुए हैं, बिहार के कांवड़िया बंधु ने अच्छा फीडबैक दिया है जी। थर्ड थे हम लोगों ने इस बार बोट एम्बुलेंस शुरू कराया है, क्योंकि रात में कई बार गश्ती हमारी प्रेफर नहीं हो पाती थी, हम लोगों ने बोट एम्बुलेंस प्रेफर कंट्रोल डिवीजन है उसके माध्यम से हम लोगों ने शुरू कराया। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट पे कई हम लोगों ने स्टैंड बनाया है और उसको और हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। साफ सफाई का फीडबैक आप लोगों से भी मैंने लिया है, तो आप लोगों ने भी कहा कि नहीं सर अच्छी व्यवस्था है, और हम लोग और उसको ईयर मार्क कर रहे हैं, जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से भी हम निगरानी कर रहे हैं, और हमारे सभी विभाग के अधिकारी, खास करके हमारे सामान्य शाखा के अधिकारी, हमारे हमारे इंस्पेक्टर और जनसंपर्क के सभी विभाग के अधिकारी इसमें दिन रात लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी कांवड़िया श्रद्धालु हैं उन सुविधाओं को हम अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करा सकें और अच्छी व्यवस्था। रेट चार्ट को लेकर क्या कुछ किसान मुद्दे दिया गया दुकानों में, रेट चार्ट को लेकर और तवादीप दुकानों को लेकर? दुकानों में रेट चार्ट का पहले से ही डायरेक्शन था और हमारे टीम ने सुनिश्चित किया था, लेकिन मुझे अभी फीडबैक मिला है कुछ दुकानदार इसके मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं या सामग्री कम दे रहे हैं, तो उन दुकानों पर मैंने रेट करने का निर्देश दे दिया है और मैं इसे आगाम किया हूँ, ऐसी कोई दुकानें तो सील भी किया जाए, उस पर कोई कार्रवाई भी किया जाए, हम 2 साल कार्रवाई करेंगे। वाहन पड़ाव स्थल पर भी है वो रेट जो भी आना रेट है, हम उसी रेट से निर्देश दिया है कि उसी रेट से वो वाहन वसूली करेंगे और अधिक रेट इस बार भी नहीं लेंगे, और यदि उनकी कोई ऐसा कोई ग्रीवांस है उस ग्रीवांस को लेकर के हम बाद में उसको कंसिडर करेंगे। करीरा के जलस्तर में सर लगातार वृद्धि हो रही है, उसको लेकर सुरक्षा कर रखो? बिल्कुल, उसको लेकर के फ्लड कंट्रोल डिवीजन हमारा सतर्क है, और जैसे जैसे घाट पे पानी का स्तर बढ़ता है तो हम लोग जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं, ताकि कम पानी में ही हमारे कमरिया बंधु स्नान कर सकें, उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था है। हम लोगों ने एक जाली भी लगाया है जो हरे रंग की जाली है, ताकि अच्छी सुरक्षा हो सके, उसको लगाया है प्लस रोड से हम लोग। एक सर रिकॉर्ड बनाए पिछले 24 घंटे में तकरीबन 2,60,000 जो कांवरिया है पैदल रवाना हुए हैं, ये रिकॉर्ड है सर बना? ये चलिए सुल्तानगंज की धरती के लिए बड़ी बात है, और मैं समस्त संभागीय धन्यवाद देता हूँ, इस धरती से चल लेकर के बाबा के यहाँ देवघर में वो अर्पण करने जा रहे हैं। मैं समस्त कांवरिया संभागियों से आग्रह करता हूँ कि बिल्कुल सांगीपूर्ण तरीके से आए, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए ही हम लोगों ने किया है, ताकि उन्हें पूरी पूरी उनको सुविधा मुहैया करा सके, और कहीं कोई उन्हें असुविधा होती है तो हमें फीडबैक दें, ताकि हम और उनकी सेवा को सेवा में अपने अधिकारियों को लगा सकें। सर देश विदेश से आने वाले कांवड़िया श्रद्धालु तो संतुष्ट हैं, ये आप अपने जिला प्रशासन की व्यवस्था से कितने? देखिए मेरा तो काम है कि अपनी व्यवस्थाओं को लगातार चेक करते रहना, उसको लगातार लोगों के फीडबैक के हिसाब से इम्प्रूव करना, लेकिन अभी जो आपके सामने हमारे कंवरिया बंधुओं ने जो फीडबैक दिया है, सभाओं ने फीडबैक दिया, काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है, मैं इसके आलोक में अपने समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों की व्यवस्था के कारण से हमारे कंवरिया श्रद्धालुओं काफ़ी राहत मिली है और काफ़ी खुश है, और हम लोग इसमें लगातार उसको बेहतर करते रहेंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पेंशन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मी आज अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इसको लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PRO दीपक कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के पास पिछले कई दिनों से पेंशनर का आवेदन प्राप्त हो रहा था, जिसके बाद आज पेंशनर दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जितने भी अवकाश प्राप्त कर्मी ने जितने भी आवेदन दिए, सभी का निपटारा जल्द किया जाएगा। इससे संबंधित समस्याएं आ रही थी, कहीं कई तरह के शिकायतें भी आ रही थी, तो ये मामला माननीय कुलपति महोदय के संज्ञान में गया था, और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो पेंशनरों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं या जो भी समस्याएं हैं, लंबित मामले हैं, उन सभी लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय शुरू से ही अग्रसर रहा है, तत्पर रहा है, लेकिन ये छात्र दरबार की तर्ज पर आज पेंशन दरबार लगाने की ये मुहिम माननीय कुलपति महोदय के आदेश से शुरू हुआ है। आज पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि सभी महाविद्यालयों से, PG विभागों से, जिनके जो मामले लंबित हैं, जो समस्याएं हैं, ग्रीवांसेस हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं,
और जो अधिकारी मंचासीन है बैठे हुए हैं उनकी समस्याओं को बारी बारी सुन रहे हैं और उन सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। बिहार संविदा एनम संघर्ष मोर्चा के द्वारा पिछले एक महीने से लगातार भागलपुर की सदर अस्पताल में प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन मिले, साथ ही हम लोगों को अस्थायी किया जाए और मूलभूत सुविधा भी प्रदान करे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएँ। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।